नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं ब्रजेश और बुलेटिन की शुरुआत जी बिजनेस कैंपेन से। जी हां, मुंबई के कई निजी अस्पतालों में अब इलाज के मोटे खर्च के ऊपर 20% सरचार्ज वसूला जा रहा है। कई बार मरीजों को इसकी जानकारी देकर रकम वसूली जाती है, कई बार मरीजों को फाइनल बिलिंग के टाइम पर सरचार्ज का शॉक दिया जाता है। बीमा कंपनियां सरचार्ज की रकम की कोई भरपाई नहीं करती। देखिए रिपोर्ट। मुंबई की जयश्री चौधरी की 28 अगस्त को मशहूर बॉम्बे हॉस्पिटल में रिस्ट सर्जरी हुई थी। सर्जरी के बाद 2,47,549 रुपए का बिल जयश्री की बीमा कंपनी को भेजा गया, लेकिन डिस्चार्ज के समय बॉम्बे हॉस्पिटल ने जयश्री के बिल पर 37,694 रुपए का सरचार्ज अदा करने को कहा। जयश्री के पति परेश चौधरी के मुताबिक उनके लिए सरचार्ज की रकम शॉकिंग थी, क्योंकि इसके बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी। हमें डोनेशन अलग से पूछ लो, हम अपने आप से देंगे। ये सरचार्ज लगा के आप किससे ले रहे हो? एंड द नेम दैट दे आर गिविंग इज अपकीप ऑफ द हॉस्पिटल। अपकीप आपको जाना चाहिए टू सी व्हाट इज द अपकीप ऑफ दैट हॉस्पिटल। इट्स नॉट लाइक अ हॉस्पिटल वेयर आई एम पेइंग सो मच फॉर अ हॉस्पिटल टू बी लाइक। कुछ ऐसा ही वाक्या इसी साल मई में शैलेंद्र रेशमवाला के साथ भी हुआ। शैलेंद्र को अचानक हार्ट अटैक आया था और एंजियोप्लास्टी के लिए बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। बॉम्बे हॉस्पिटल में इलाज का बिल करीब 5,72,000 रुपए आया। अस्पताल ने बिल की रकम के ऊपर करीब 71,000 रुपए का सरचार्ज जोड़ भी दिया। ये पूछे जाने पर कि ये रकम क्यों ली जा रही है, मैनेजमेंट का जवाब था कि ये सभी मरीजों से ली जाती है, डिस्चार्ज के वक्त ये रकम देना जरूरी है। When the final bill was given to me, that time I saw the 20% surcharge and I asked the hospital as to what is this surcharge and why are you doing it. So the hospital told me at that given point of time that these are the payments that the hospital always gives with all bills and all patients. It's like mandatory, you know, like how a bill format is. It's part of the bill. So you have to pay this. So I was not given a notice earlier while admitting it or I was not told about it at all. अस्पताल की दलील है कि सरचार्ज की रकम मरीजों की सुरक्षा, साफ सफाई और बिलिंग पर आने वाले खर्चों की भरपाई के लिए वसूल की जा रही है। लेकिन जानकार मानते हैं कि फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं है जो अस्पतालों को बिल की रकम के ऊपर खुद का सरचार्ज लगाने का अधिकार देता है। हाँ, अगर सरकारी संस्था कोई ऐसा सेस या सरचार्ज लगाती है तो वो रकम ली जा सकती है, लेकिन अस्पताल सरचार्ज वसूलने को अपना अधिकार नहीं बता सकते। You see, this 20% surcharge is not statutorily or anywhere written. It is a suo motu decision of the hospital. 20% over and above the hospital bill. Hospital bill covers everything from a single vial to the doctor, to the nurse, everything is included, room, everything. Then what is this 20% for? सरकारी अस्पतालों में कतारों और बद इंतजामी की वजह से लोग निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर हैं, जबकि कई बार निजी अस्पताल खर्चों की भरपाई के नाम पर ऊंची बिलिंग करते हैं। मरीजों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए कई बार हेल्थ केयर सेक्टर के लिए रेगुलेटर की मांग उठी है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। हमारे संवाददाता अनुराग शाह जुड़ रहे हैं मुंबई से और बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर ही हैं वो। अनुराग, सरचार्ज के नाम पर खुली लूट जारी है। आप ये बताइए कि अस्पताल प्रशासन से आपकी बात हुई है, उनकी क्या सफाई है, उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पर जब मैंने अस्पताल प्रशासन से बात करी, उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करी, तो उनका यही कहना था कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सरचार्ज वसूल करते हैं, और लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सरचार्ज की जो राशि है ये हम पहले ही जब पेशेंट का जब एडमिशन हो रहा होता है तभी बता दी जाती है, अस्पताल बता देता है कि उनको अपने बिल के ऊपर सरचार्ज देना होगा, और इसी के बाद और जो सरचार्ज वसूल किया जाता है वो हॉस्पिटल की साफ़ सफाई
दवाई है और उसके अलावा जो गरीब परिवारों का जो इलाज होता है उसके लिए दी जाती है। उसके अलावा जिस तरह से हमारी इस केस स्टडी में हमने बताया, जैसे दो 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 कंप्लेनेंट थे तो उनका ये कहना है कि उन्हें जब एडमिशन लिया था तब उन्हें नहीं बताया गया था कि सरचार्ज देना होगा उन्हें बिल के ऊपर, उनको किसी भी तरह की इसकी जानकारी नहीं थी और जब डिस्चार्ज के समय ही उन्हें पता चला कि उनके ऊपर इतना भारी भरकम सरचार्ज लगाया गया है। उन जो कंप्लेनेंट्स का ये भी कहना था कि अगर कोई किसी भी तरह का ये सरचार्ज है जो हॉस्पिटल किसी डोनेशन के तौर पे या फिर अलग चीज़ों के ऊपर यूज़ करता है तो वो ऐच्छिक होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को लेकर जो कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल को एक लीगल नोटिस भी भेजा है और उस लीगल नोटिस का अभी तक हॉस्पिटल ने कोई जवाब नहीं दिया है। जी अनुराग, ये जानना चाहेंगे कि क्या अस्पताल ये जो सरचार्ज वसूलते हैं उसके पीछे कोई नियम है, क्या इस बात की इजाज़त उनको है कि सरचार्ज लगा सकते हैं या सिर्फ अपनी मर्सी चला रहे हैं? जी अगर कानूनी तौर पे देखिए, जिस तरह से हमने लॉयर से भी बात करी थी तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में तो थोड़ा बहुत सरचार्ज लग सकता है लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल केवल अपना सोल कंसिडरेशन के ऊपर ये सरचार्ज लगा देते हैं और उनका ट्रस्ट होता है या फिर जो जो हॉस्पिटल का बोर्ड होता है वो डिसाइड कर लेता है कि किस तरह से ये सरचार्ज लगाना चाहिए। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखें या उसकी तौर पर देखें तो किसी भी तरह का जो सरचार्ज का है लॉ के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। और अनुराग एक बात और भी है कि जो तमाम मरीज़ हैं या उनके तीमारदार हैं, उनके घर वाले हैं, वो बहुत अगर जागरूक नहीं हैं तो शायद इस बात को पकड़ भी नहीं पाते होंगे और इस मामले को उठाते भी नहीं होंगे। कुछ मरीज़ों ने जैसे कि इस रिपोर्ट में आपकी हमने देखा कि जो पेशेंट्स हैं उन्होंने इस मामले को रेज किया है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे मरीज़ तो उनको कुछ मालूम ही नहीं है और उनको आसानी से लूट लिया जाता होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब भी जो मरीज है या मरीज के परिवारजन हैं जब भी हॉस्पिटल में आते हैं तो एक जो मेंटल स्टेट है वो काफ़ी अलग होता है, एक डर का माहौल सा होता है, एक ट्रॉमेटाइज माहौल होता है। तो उस वक्त जो एक हॉस्पिटल कोई अंडरटेकिंग भी देता है या फिर जिस भी तरह के पेमेंट्स होते तो वो वक्त नहीं होता इन सब बारों में डिस्कस करने का और इस सब के बात करने का। तो जानकारी के अभाव में भी या फिर जब बिलिंग के टाइम पर भी क्योंकि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है और जिस भी तरह के जो चार्जेस होते हैं वो हॉस्पिटल लगा देता है तो जानकारी के अभाव में या फिर हर कोई इस इशू को रेज भी नहीं करता है। हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा, एक फेसबुक के ऊपर भी और जो कंज्यूमर फोरम है वहां पर भी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स हैं, केवल एक हॉस्पिटल के प्रति ऐसी कंप्लेंट नहीं है बाकी कई और हॉस्पिटल्स के प्रति भी ये कंप्लेंट है जहां पर जो लोगों ने एक जो शिकायत दर्ज कराई है कि जो उनका फाइनल बिल था उसके ऊपर कहीं ज्यादा सरचार्ज वसूला गया और उनको उसके बारे में कोई बताया नहीं गई था, फाइनल पेमेंट के टाइम ही ये अमाउंट लिया गया। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। और ताज्जुब की बात यह है, हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ खुलेआम चल रहा है लेकिन सरकार को भी इसके बारे में ऐसा लगता है कि कानो कान कुछ खबर नहीं है। चलिए ये तो बात रही मुंबई में अस्पतालों की लूट की।